हाय गाइस, सो कल हमने एक सेशन किया था पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर और अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाया था. मेरा प्लान था स्ट्रिंग्स पढ़ाने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देनी थी, बट वो नहीं हो पाया. तो मैंने क्या प्लान किया है कि एक वीडियो शूट कर लेता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करा दूंगा. और फिर इस वीडियो को देखने के बाद जब आप टास्क करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा. तो इसको आप एक काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री लेसन की तरह ट्रीट कर सकते हो. फ्यूचर में भी हम ऐसा करेंगे. अगर कुछ छोटे से टॉपिक्स बच जाएंगे लेक्चर में तो हम ये सप्लीमेंट्री वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, ये वीडियो आपको बाय द वे वेबसाइट में भी मिल जाएगा. जो सेशन का पेज होगा वहाँ पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा. सो द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ टू शो यू हाउ टू राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज कुछ 8-9 क्वेश्चंस हैं और इजी से थोड़े डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि एक एलियन फंक्शन होता है जो किसी भी गिवन स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकता है। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहां पर आपको एक गिवन स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है विदाउट यूजिंग द लेंथ फंक्शन। ठीक है, तो खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से थोड़ी देर के लिए हमारा जो स्ट्रिंग है वो हमें इनपुट में मिल रहा है यूजर से, एंटर द स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, जो भी यूजर स्ट्रिंग डालेगा हमें उसका लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काउंटर बोल के वेरिएबल ले लेंगे जो इनिशियली 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन एस। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट आई करके। सो अगर लेट्स से इस कोड को हमने रन किया और यहाँ पे अगर हमने डाला हेलो वर्ल्ड, और इस कोड को अगर आप रन करो तो यू कैन सी आप बेसिकली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर बार लूप के अंदर रादर देन प्रिंटिंग वी वुड सिंपली इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1, दैट्स इट। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम लूप से बाहर आएंगे। जब लूप खत्म हो जाएगा तो हम प्रिंट कर देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉमा वॉट एवर इज इनसाइड काउंटर। ठीक है, दिस इज द कोड। सो लेट्स से नितेश डाला मैंने, आंसर वुड बी 6। ठीक है, बहुत ही बेसिक कोड था बट ठीक है, कोई नहीं, कर लिया हमने। आगे मूव करते हैं। अगला कोड भी काइंड ऑफ सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको इनपुट में एक ईमेल मिलेगा लाइक दिस, और आपको उस ईमेल के अंदर से यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना है। बेसिकली एट द रेट के पहले जो भी है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम फिर से क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और ये कोड हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेने का कोड लाइक दिस। यहाँ पर एंटर द स्ट्रिंग के बदले हो जाएगा एंटर द ईमेल। अब यहां पर क्या सीन है कि ईमेल आपको ऐसा मिलेगा और आपको क्या करना है, एट द रेट के पहले जो भी है उसको निकालना है। अब इस पूरी चीज में बेसिक फंडा बस इतना है कि आपको एट द रेट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ही आपको एट द रेट का पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगा आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूँ। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है एस डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट। ठीक है, एक बार इस कोड को रन करते हैं। लेट्स से हमने लिखा हेलो एट द रेट gmail.com, तो हेलो उसके बाद एट द रेट है तो वो एट द रेट 5th पोजिशन पे है। ठीक है, तो अब हम बस क्या करेंगे कि जैसे ही हमें ये मिल जाएगा पोजिशन ऑफ एट द रेट, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, लेट्स कॉल इट पोजिशन। और अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करेंगे, शुरू से लेकर के पोजिशन तक जो भी है उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, एंड दैट्स द कोड नितिश एट द रेट gmail.com। देखो नितिश प्रिंट हो गया। सपोर्ट एट द रेट campusx.in, सपोर्ट प्रिंट हो गया। ठीक है,
तो बहुत ही सिंपल कोड था, पूरा फंडा इस चीज पे अटका हुआ था कि आप एट द रेट का पोजिशन निकालो और उसके बाद स्लाइसिंग कर दो, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और हमें एक कैरेक्टर दिया जाएगा और आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। मान लो थोड़ी देर के लिए हम फिर से सेम कोड यूज कर लेते हैं, मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है और हम जो भी टर्म सर्च करना चाहते हैं वो भी हम इनपुट में ले लेंगे। वॉट वुड यू लाइक टू सर्च फॉर, ठीक है, वो बता देगा। और इसके बाद बस आपको क्या करना है, आपको लूप चलाना है फॉर आई इन एस, स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाओगे और ऊपर आप एक काउंटर ले लोगे जो कि इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा। और हर बार आप क्या करोगे, आप लिखोगे इफ आई इज इक्वल टू टर्म, तो आप काउंटर को 1 से बढ़ा दोगे, ठीक है, और बाहर निकल के यू वुड सिंपली प्रिंट फ्रीक्वेंसी कॉमा काउंटर, दैट्स द कोड, लेट मी शो इट टू यू। लेट्स से यहाँ पर हमने डाला हाय हाउ आर यू, ठीक है। अब वो मुझसे पूछेगा कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, तो लेट्स से मैं ओ सर्च करना चाहता हूँ और जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ द फ्रीक्वेंसी इज 2, ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल कोड, बट ट्रस्ट मी गाइज किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती क्योंकि वहां पे लूप्स थोड़े अलग ढंग से काम करते हैं। पाइथन का लूप इज सो इजी टू यूज कि ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जा रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आपको एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हटाना है, ठीक है। तो आप फिर से क्या करोगे, आप दो चीजों का इनपुट लोगे। सो लेट्स से हमने यहाँ पे बोला एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू रिमूव। अब आपको क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, सो बेसिकली आप स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से किसी कैरेक्टर को रिमूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा और उस नए स्ट्रिंग में आप वो कैरेक्टर हटा के बाकी सब चीजें ऐड करोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक रिजल्ट बोल के एम्प्टी स्ट्रिंग बना रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के ऊपर लूप थ्रू कर रहे हो फॉर आई इन एस, और आप हर बार क्या कर रहे हो, आप पूछ रहे हो इफ आई इज नॉट इक्वल टू टर्म, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट में अपेंड करते जा रहे हैं जो भी आई है, ठीक है, एंड दैट्स इट। प्रिंट करने के बाद लास्ट में लूप के बाहर वी वुड सिंपली प्रिंट रिजल्ट। लेट्स से मेरा इनपुट स्ट्रिंग है नितिश एंड आई वुड लाइक टू रिमूव आई, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। ये रहा गाइस आपका आउटपुट, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, आई गेस समझ पा रहे हो, पूरे टाइम आप लूप में घुस रहे हो, कोई कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है। थोड़े से अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं जो थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप स्ट्रिंग पढ़ोगे तो आपको मोस्ट लाइकली क्वेश्चन दिया जाएगा कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम जो ये बता पाए कि एक गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो पैलिंड्रोम ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं जिसको आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं, ठीक है, जैसे कि अब्बा या फिर मलयालम, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके पैलिंड्रोम्स हैं, इनको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम ही वर्ड बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक कोड लिखना है जो ये डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप एक लूप चलाओगे
जो एग्जैक्टली हाफ तक चलेगा, और आप पूरे टाइम ये चेक करोगे कि फर्स्ट वाला लास्ट वाले के बराबर है कि नहीं, सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाले के बराबर है कि नहीं, थर्ड वाला थर्ड लास्ट वाले के बराबर है कि नहीं, और अगर बराबर है तो आप आगे जाते जाओगे, और अगर किसी भी पॉइंट पे बराबर नहीं है तो इट एक्चुअली प्रूव्स कि दिस थिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम. ठीक है, तो यही लॉजिक हम लोग यूज करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एंटर द स्ट्रिंग यूजर देगा. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इन द रेंज ऑफ, इस बार जो लूप चलेगा वो स्टार्ट होगा 0 से और वो जाएगा लेंथ ऑफ एस इंटीजर डिविजन 2 तक. ठीक है, जैसे मान लो मलयालम है, तो मलयालम इज 9 कैरेक्टर्स. ठीक है, तो 9 इंटीजर डिविजन 2 हो जाएगा 4. तो आप क्या कर रहे हो, 0 से लेके 4, मतलब 0 से लेके 3 तक आप लूप चला रहे हो. 4 बार लूप चलेगा, 4 बार लूप चलेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली लूप के अंदर ये चेक करना है कि इफ इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू, और रादर इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ लेंथ ऑफ आई, नॉट आई, लेंथ ऑफ एस माइनस आई माइनस वन, ये आपको चेक करना है. अगर बराबर नहीं है तो आप ब्रेक कर दोगे, और ब्रेक करने के पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर वी कैन हैव अ फ्लैग, फ्लैग का वैल्यू हमने रख दिया ट्रू, और हम ब्रेक करने के पहले क्या कर रहे हैं, फ्लैग को फॉल्स कर दे रहे हैं. ठीक है, और ब्रेक कर दे रहे हैं, और लूप से बाहर निकल के हम चेक कर रहे हैं कि अगर फ्लैग अभी भी ट्रू है तो इसका मतलब ब्रेक नहीं हुआ, और ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब पैलिंड्रोम है. आई वुड प्रिंट पैलिंड्रोम. ठीक है, और सिमिलरली ब्रेक करने के जस्ट पहले आई वुड प्रिंट नॉट अ पैलिंड्रोम. ठीक है, एंड दैट्स द कोड गाइस, रन करते हैं. मैं अभी कोड समझाऊंगा आपको, डोंट वरी. लेट्स से हम एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं, रेस कार. रेस कार इज अ पैलिंड्रोम, लेट्स चेक दैट. देखो बोल रहा है पैलिंड्रोम है. लेट्स पुट मलयालम, पैलिंड्रोम है. लेट्स चेक फॉर अब्बा, पैलिंड्रोम है. लेट्स चेक फॉर पाइथन, पैलिंड्रोम नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द कोड. अब जल्दी से इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे और इसको हम लोग ले जाएंगे पाइथन ट्यूटर में, और लेट्स पेस्ट दिस कोड एंड अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, सो दैट आप समझ पाओ. एक्चुअली काफी इजी है, लेट्स रन इट. सो हमारा जो स्ट्रिंग है वो है रेस कार. ठीक है, सबमिट किया हमने. अब देखो फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, अब आप लूप चला रहे हो, लूप स्टार्ट होगा आई का वैल्यू 0 से. यहां पर आप चेक कर रहे हो एस ऑफ आई, मतलब एस ऑफ 0 क्या वो नहीं बराबर है एस लेंथ ऑफ एस. लेंथ ऑफ एस क्या होगा, रेस कार है, तो रेस कार का लेंथ होगा 7. ठीक है, तो 7 माइनस आई का वैल्यू 0, तो 7 माइनस 1 6, आप 6 से कंपेयर कर रहे हो. 6 कौन है, 0 1 2 3 4 5 6. सो बेसिकली आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हो. अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट कर दे रहे हो. अगर ये दोनों बराबर है तो आप वापस जा रहे हो, देखो आप वापस जा रहे हो और आई का वैल्यू बढ़ा के 1 कर दे रहे हो. आई का वैल्यू जैसे आपने बढ़ाया, अब आप एस ऑफ आई को कंपेयर कर रहे हो, ए को कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ, एस लेंथ ऑफ एस विच इज 7 माइनस आई का वैल्यू विच इज 1 माइनस 1, तो 5 से कंपेयर कर रहे हो, विच इज दिस कैरेक्टर. ठीक है, अगेन सेम है, तो
तो आप वापस गए, आपने आई को बढ़ाया, इस बार आप कंपेयर कर रहे हो इस सी को इस सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आप नीचे आए और आपका काम हो गया, और आपने कभी भी फ्लैग का वैल्यू फॉल्स नहीं किया था, तो आपका फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, तो पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप नए हो प्रोग्रामिंग में, हाथ से एक बार कॉपी पेन पे लॉजिक लिख के देखो और फिर खुद से कोड करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। कल मैंने आपको स्प्लिट फंक्शन पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, हाय हाउ आर यू, इसके ऊपर अगर आप स्प्लिट चला देते हो, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि आपका सारा का सारा जो वर्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके एक लिस्ट में डाल देता है। तो हमें ये काम करना है विदाउट यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। तो कुछ खास बात नहीं है, ध्यान से देखो आप क्या करोगे। आप फिर से यूजर से एक स्ट्रिंग मांगोगे, सो आई वुड कॉपी दिस एंड पेस्ट इट। और अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन एस, लूप चलाया हमने। अब हर बार हम क्या करेंगे कि इस जगह पे वी विल कीप अ टेम्पररी स्ट्रिंग जो शुरू में एम्प्टी होगा, ठीक है। और हर बार हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ आई का वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस। इनफैक्ट इफ आई का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू स्पेस, जब तक स्पेस नहीं है, हम टेम्प में क्या करेंगे, आई को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आई को ऐड करते जाएंगे, और एल्स अगर टेम्प आई का वैल्यू अगर स्पेस आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट लूंगा, लेट्स कॉल इट एल, जो कि एम्प्टी है, मैं उस लिस्ट में अपेंड करते जाऊंगा जो भी टेम्प का वैल्यू है, ठीक है। ये लिस्ट का अपेंड मेथड आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, लिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के काम आता है, ठीक है। और इसके बाद मैं टेम्प को खाली करके वापस ये बना दूंगा, ठीक है। और अब मैं बाहर निकल रहा हूं और मैं प्रिंट कर रहा हूं वॉट एवर इज इनसाइड एल, जस्ट टू शो यू अभी तक का कोड क्या कर रहा है। सो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, और ये देखो मेरा आउटपुट हाय हाउ आर तक तो आ रहा है, यू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, वो समझाने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली गो टू पाइथन ट्यूटर एंड आई वुड पेस्ट दिस कोड, और इनपुट में मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देखना क्या होगा यहाँ पे। सो एस में हेलो वर्ल्ड है, एल एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी लिस्ट है, टेम्प एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब आप लूप चला रहे हो स्ट्रिंग के ऊपर, तो पहली बार आई का वैल्यू क्या है, एच। अब आप चेक कर रहे हो क्या एच स्पेस है, नहीं है, तो आप सॉरी, आप चेक कर रहे हो कि एच स्पेस तो नहीं है, ट्रू है ये कंडीशन। आप अंदर जाओगे और जो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें एच को अपेंड कर दोगे लाइक दिस, देखो अपेंड हो गया। फिर आप आगे बढ़ रहे हो लूप में, अब ई मिला आपको, ई भी स्पेस नहीं है, तो अपेंड हो जाएगा लाइक दिस, और ये चलता जाएगा, अपेंड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और आपको हेलो मिल जाएगा, ठीक है। अब आई का वैल्यू क्या है, स्पेस है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया और आप एल्स में चले गए, और एल्स में आपको क्या करना है कि जो भी टेम्प के अंदर है उसको उठा के इस लिस्ट में डाल देना है, तो वही आपने किया, लिस्ट में हेलो डाल दिया, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, टेम्प को वापस खाली कर दे रहे हो ताकि ये काम आप आगे भी कर पाओ, ठीक है। और इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब आप वर्ल्ड आ चुका होगा टेम्प के अंदर, उसके बाद कोई स्पेस नहीं है, तो हमारा जो लॉजिक है वो आखिरी वर्ड के ऊपर काम नहीं करेगा, उसके पहले जितना भी है सबके ऊपर काम करेगा। तो एंड में आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि प्रिंट करने के जस्ट पहले आप एल डॉट अपेंड कर दो जो भी टेम्प के अंदर लास्ट में है, और अब आप इस कोड को रन करो, यू वुड गेट द आंसर।
हाय हाउ आर यू, ओके एल डॉट अपेंड एक्चुअली इज अ फंक्शन, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो एक काम करते हैं बाहर एल डॉट अपेंड कर देते हैं, बाहर एल डॉट अपेंड कर देते हैं और यहाँ पे एल को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है सेम ही बात है। लेट्स रन दिस, हाय हाउ आर यू, और ये रहा गाइज आपका आउटपुट। तो स्प्लिट फंक्शन का हमने स्क्रैच से लॉजिक लिखा, ठीक है आई होप आपको समझ में आया। एक दो क्वेश्चंस बचे हैं जल्दी से कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि आपको एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करना है विदाउट यूजिंग द टाइटल फंक्शन। लेट मी शो यू टाइटल केस क्या होता है। तो अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है हाय हाउ आर यू और इसके ऊपर अगर आपने टाइटल फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये क्या करेगा, हर वर्ड को पकड़ेगा और उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। तो हम यही कोड लिखने जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है खास। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग मांग लेंगे यूजर से, एक स्ट्रिंग मांगा और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको स्प्लिट कर लेंगे। सो हम लिखेंगे फॉर आई इन एस डॉट स्प्लिट प्रिंट आई। ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे आप इस कोड को रन करोगे एस डॉट स्प्लिट क्या करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करके वर्ड बाय वर्ड लिस्ट में डाल देगा और आप उस लिस्ट के ऊपर लूप चला रहे हो तो सारे के सारे आइटम्स वर्ड बाय वर्ड प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे आइटम्स वर्ड बाय वर्ड प्रिंट हो गए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे हर वर्ड को पकड़ना है और उसके पहले लेटर को कैपिटल करना है, दूसरे लेटर को आगे के लेटर्स को स्मॉल रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा कि आई का जीरोथ जो है पहला कैरेक्टर उसको मैं अपर कर रहा हूं, ठीक है, और प्लस मैं आगे क्या कर रहा हूं, आई का वन ऑनवर्ड्स जो भी है उसको मैं लोअर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना इस कोड को मैं जैसे ही रन कर रहा हूं, ये देखो हाय हाउ आर यू, देखो हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लिस्ट ले रहा हूं जो शुरू में एम्प्टी है और मैं क्या कर रहा हूं, रादर देन प्रिंट कराने के हर वर्ड को ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अपेंड कर दे रहा हूं इस लिस्ट के अंदर, और इतना करने के बाद जब मैं प्रिंट करूंगा एल को, देखो एक बार आपको क्या दिखाई देगा, हाय हाउ आर यू। देखो हमारे पास एक लिस्ट बन गया जो सारे वर्ड्स हैं और उनके ऊपर हमने सही ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अब बस हमें इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी वुड डू इज हम लोग ये लिखेंगे, ज्वाइन फंक्शन यूज करेंगे, डॉट ज्वाइन ऑन एल, दिस इज द कोड। लेट मी शो यू, हाय माई नेम इज नितिश, ठीक है। इसको हमने रन किया और ये देखो गाइस ये रहा हमारा आउटपुट टाइटल केस में, ठीक है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था बट आई गेस एक बार आपको फंक्शंस यूज करने आ गए तो आप कर सकते हो, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक गिवन इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सो कहने का मतलब है अगर आपको इनपुट में 4 मिला है तो आपको स्ट्रिंग ऑफ 4 आउटपुट में देना है, मतलब बेसिकली आपको ये करना है स्ट्रिंग फंक्शन का जो आउटपुट होता है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ 4 क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑफ 4 बना देगा, ठीक है। मान लो 489 है तो क्या करेगा, ये आपको स्ट्रिंग ऑफ 489 दे देगा, ठीक है। ये कोड हमें लिखना है, मान लो स्ट्रिंग फंक्शन नहीं होता तो हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते, हमें ये कोड लिखना है। सो अगेन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक नंबर ले लेंगे यूजर से, एंटर द नंबर। अब हमारे पास नंबर आ गया, हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। देखो फंडा बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप एक स्ट्रिंग ले लोगे डिजिट्स बोल के जिसमें आप सारे के सारे डिजिट्स को स्टोर कर लोगे, बिकॉज यही सारे पॉसिबल डिजिट्स हैं
और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर्ड है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक लूप चला रहे हो, व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक नंबर का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता, आप क्या करोगे, एक एक करके सारे जो डिजिट्स हैं नंबर के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कैसे, बाय डूइंग दिस, नंबर मॉड्यूलस 10। सो मान लो नंबर में अगर 34 होता तो नंबर मॉड्यूलस 10 करने पे आपको 4 मिल जाता, लास्ट डिजिट, ठीक है। अब आप उस लास्ट डिजिट को क्या करोगे, इस स्ट्रिंग के अंदर से निकालोगे। सो आप क्या करोगे, आप ये कोड लिखोगे, डिजिट्स का इंडेक्स पोजीशन 4, ठीक है। तो 4 कौन सा है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 नहीं होगा, 0 1 2 3 4, तो 4 निकल जाएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ 4 आ जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, उसको एक रिजल्ट बोल के एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हो और आप ये लिख रहे हो, रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी आपने एक्सट्रैक्ट किया प्लस रिजल्ट, ठीक है। और इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आप नंबर को घटाते जाओगे बाय डूइंग दिस लाइक दिस, ठीक है। और बाहर आकर के यू वुड प्रिंट वॉट एवर इज इनसाइड रिजल्ट, एंड दैट इज द कोड गाइस, लेट मी शो इट टू यू। एंटर द नंबर 234, आउटपुट में 234 ही आ रहा है, बट अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप टाइप ऑफ रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो, वो स्ट्रिंग आएगा। लेट मी शो इट टू यू, 345, 345 आ रहा है बट वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार एक ट्रिप लेते हैं पाइथन ट्यूटर का और समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हम एक नंबर ले रहे हैं, मान लो 345। अब देखो पूरा फंडा क्या है, नंबर में 345 स्टोर्ड है, डिजिट्स हमारा एक स्ट्रिंग है जिसमें सारे के सारे हमारे नंबर्स हैं, हमने रिजल्ट बोल के एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। अब हम लूप चला रहे हैं जब तक नंबर का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता, नंबर का वैल्यू अभी 345 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो आप लूप के अंदर घुसोगे। लूप के अंदर आप सबसे पहले नंबर मॉड्यूलस 10 निकालोगे, नंबर मॉड्यूलस 10 आप जैसे ही निकालोगे तो 345 मॉड्यूलस 10 से आपको 5 मिलेगा, और उस 5 को आप डिजिट्स के अंदर भेज रहे हो। डिजिट्स क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर आप इंडेक्सिंग करके 5th पोजीशन वाली चीज को निकाल रहे हो जो कि क्या है, 5, ठीक है। और उस 5 को किस में अपेंड कर रहे हो, रिजल्ट में, जो कि फिलहाल खाली है, तो आप जैसे ही रन करोगे तो रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। और अब आप क्या कर रहे हो, नंबर को घटा रहे हो 10 के फैक्टर से, तो नंबर हो जाएगा 34, ठीक है। अभी भी आपका कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आप घुसोगे, नंबर मॉड्यूलस 10 करोगे, 34 मॉड्यूलस 10 होता है 4, 4 को डिजिट्स में डालोगे, इंडेक्स पोजीशन है 4, तो यहाँ से 4 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 आप किस में जोड़ रहे हो, रिजल्ट में, पहले जोड़ रहे हो बाद में नहीं, तो रिजल्ट हो जाएगा 45। फिर से नंबर को घटाया, नंबर 3 हो गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब आपने निकाला नंबर मॉड्यूलस 10, 3 मॉड्यूलस 10 3 होता है, ये 3 निकला और ये प्रीपेंड हो गया, ये 345 हो गया, नंबर को आपने घटाया, नंबर हो गया 0, लूप का कंडीशन हो गया फेल और प्रिंट 345 जो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रहे गाइस कुछ 8-9 कोड्स जो मुझे आपको लास्ट सेशन में कराने थे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, तो आई थॉट ये वीडियो बना देते हैं। और अब आप क्या कर सकते हो, एक बार ये वीडियो देखने के बाद यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू यू इन टास्क 3, ठीक है, थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। तो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।